अरे ये क्या बोलो, ये भी लड़की बच्ची तो इधर ही आ रही है। अरे भागो बिल्ली भागो, वरना हो जाएंगे तेरे ठिकट के। ओ मन्ना खड़े खड़े देख क्या रहा है, उसका मुंह चुप करवाना। हे भैया, अरे ये क्या भैया, हे भैया, आज हम खेलने वाले यार स्केरी ग्रैनी नन हॉरर गेम। ओए मन्ना क्या तो बात है, तो इवी लड़की बच्ची है ना, फिर तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम इवी लड़की बैठ जा पाए मन्ना। आओ चलो बल्ला, जल्दी से इजी मोड में कंप्लीट करते हैं और देखते हैं बल्ला कि आज तुम इस गेम को कंप्लीट कर पाते हो या फिर नहीं। क्यों क्या ओए पागल बाप के बच्चे, आज मैं इस गेम को क्लियर करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम्हें तो पता है ना फौजी के ढाई किलो के पावर में कितनी ताकत है, और इस कैरी ग्रानी नन को भी नहीं छोड़ूंगा। आओ अरे बिल्ली के बच्चे, ऐसी बात नहीं है, मगर आज तुम्हें बलवान बहुत चैलेंज करते है। तुमने इस कैरी ग्रानी नन को हरा दिया ना, तो मैं भी मानूंगा कि तुम असली वाले प्रो प्लेयर और असली वाले फौजी हो। क्यों काम ही बाओ, अगर ऐसी बात है तो मेरे भैया आओ जरूर इस गेम को विन करेंगे। हाँ भैया आओ, मैंने सही बोला ना यार। ओ यार मन्ना तूने बिल्कुल सही बोला, और मगर ये क्या मन्ना, वो तो ग्रानी नन आ गई। ओ मन्ना मुझे जल्दी से यहाँ पे छुपना पड़ेगा। ओ अरे बिल्ली के बच्चे, इसमें छुपने वाली क्या बात है। अरे ये देखो बल्ला, यहाँ पे तुझे कटर भी चाहिए, तुझे यहाँ पे क्रोबार भी चाहिए, और यहाँ पे मैंडूर की, और इसके अलावा तुझे यहाँ पे कार को भी लगाना होगा, तब जाके तुम मैंडूर कर पाओगे। ओए कोई बात नहीं बाप, मुझे सब पता है, आज फौजी को सिखाने की कोशिश मत करो। ओए मैंने इस कैरी नन को मैं देख लूंगा, आओ दरवाजा खोलो, अंदर क्या है बताओ। आओ अरे यहाँ पे तो कुछ भी सामान नहीं है बल्ला, पीछे देखो पीछे, इवी लड़की बच्ची तो इधर ही आ रही है। अरे ये क्या बल्ला, तुझे तो यहाँ से वायर कटर भी मिल गया। क्या ही भैया, क्या तो बात है यार, अब आएगा ना असली वाला मजा। मेरे भैया देख, मैं डूर के ऊपर जाएंगे और भैया आप वो वाली वायर को काट डालोगे यार। ओ यार मन्ना, मगर इस सिविल लड़की बच्ची को तो यहाँ से जाने दो, और बुढ़िया कह के यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है मन्ना। ओ अरे रुको बिल्ली रुको, उसके जाने का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में तेरा काम हो जाएगा 110%। क्या कुछ क्या, ओ चलो मन्ना मैंने उसको चकमा दे दिया, अब आएगा असली वाला मजा। ओ जल्दी से इस वायर को काटता हूँ मन्ना, ये रही मेरी वो वायर, ओ ये रही मन्ना मैंने काट दिया उसको। आओ, अरे शाबाश बल्ला शाबाश, मगर तुम इस वाली गेम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ी हार्ड गेम है। क्यों चाहो हे भाओ, हार्ड गेम के लिए तो मेरे भैया जैक बने, और कोई भी चाहे हार्ड गेम हो मेरे भैया इसको भी क्लियर करके दिखाएंगे। और ओ यार मन्ना तुमने एकदम सही बोला, और मन्ना यहाँ पे हमें कार भी चाहिए होगा, और ये देखो मन्ना यहाँ पे मैंडूर की मास्टर की भी चाहिए होगी, और मन्ना यहाँ पे क्रोबार भी चाहिए होगा। हे भैया आप टेंशन मत लो यार, ये सारी चीजों को मैं भी फाइंड करने में आपकी हेल्प करूंगा यार। ओ चल ठीक है मन्ना, तू है जब साथ में तो फिर टेंशन लेने वाली क्या बात। आइए क्या मन्ना, ये भी लड़की बच्ची तो इधर भी आ गई। आओ अरे आने दो बिल्ली आने दो ना, इसमें डरने की क्या बात है, तुम तो सीधे ऊपर जाओगे ना। क्यों क्या, ओ जल्दी से लाइट्स को ऑन करता हूँ, ताकि ये इवी लड़की मुझे साफ साफ दिखाई देंगी मन्ना। आओ, अरे बिल्ली के बच्चे, तुम्हें इवी लड़की बच्ची ने देख लिया है, मगर ये तेरा भी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है, ये तो बहुत ही खतरनाक वाली इवी लन है। भागो भागो बिल्ली भागो, अरे ये तुम कौन से वाले रूम में पहुंच गए। पागल बाबा ये देखो, मुझे क्रो बार का बच्चा मिल गया, अब आएगा असली वाला मजा मन्ना। हाँ भैया आपने एकदम सही बोला, क्रो बार को लेके जाएंगे मैं दूर के दरवाजे के ऊपर, और भैया प्लैंक को निकाल देंगे यार बड़ी आराम से। आ जाओ इवी लन की बच्ची आ जाओ, हाँ तुझे नहीं छोड़ूंगा यार। ओए मन्ना इसको छोड़ेंगे कैसे नहीं, ओए हमारे पास तो कोई वेपन भी तो नहीं है मन्ना, जिसकी मदद से हम उसको मार पाए। ओ अरे बिल्ली के बच्चे, तुझे यहाँ से वेपन नहीं मिलेगी, तुम्हें यहाँ से ऐसे ही उसको बिना मारे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी जाके तुम इस वाली गेम को क्लियर कर पाओगे। क्यों क्या, ओए पागल बाप के बच्चे, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, फौजी यहाँ से ये प्लान को उखाड़ेगा, तोड़ भी देगा फोड़ देगा। ओ लो आए, हे भैया ये हुई ना, आपने तो भैया कमाल करके धोती फड़के रुमाल भी कर दिया। वो देखो सामने भैया, इवी लड़की बच्ची तो यहाँ से जा रही है। और ओ जाने दो मन्ना जाने दो, और ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है ना कि वो यहाँ से चली जाएंगी, उसके बाद हम सामान भी ढूंढ पाएंगे। और ये क्या मन्ना, लगता है उसने हमारी बातें सुन ली। ओ अरे बिल्ली के बच्चे, उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी, वो तो यहाँ से ऊपर जा रही है। बल्ला देखो, बल्ला देखो, तुम्हें भी तो ऊपर ही जाना है ना सामान खोजने के लिए।
बाप ये क्या, उसने लगता हमें देख लिया। मन्ना भागो, मन्ना भागो। अरे भागो ना बल्ला, मैं क्यों भागो, ये तो तुम खेल रहे हो ना, तुम ही भागो। ये क्या मन्ना, जल्दी से इसके अंदर छुप जाओ और खोलो दरवाजा। इस दरवाजे को भी मन्ना बंद करना होगा, वरना ये लड़की बच्ची यहाँ पे भी आ सकती है। अरे ये क्या बल्ला, तुझे तो यहाँ से वो वाला कार भी मिल गया। अरे स्वाइप करने से बल्ला, यहाँ पे दरवाजे के ऊपर जो लॉक है ना, वो भी तुम बड़े ही आराम से खोल सकते हो। बिल्कुल सही बोला मन्ना। तो चलो बल्ला, तुम्हारा काम तो हो गया, मगर काम को खराब करने के लिए लड़की बच्ची भी तो यहाँ पे खड़ी है। बल्ला जल्दी से दरवाजा बंद करो, वरना हो जाएंगे तरी टकड़ी टकड़ी। मन्ना बापा, ये क्या मन्ना, लड़की बच्ची ने मुझे मार दिया। अरे बिल्ली की बच्ची, देखो मैंने बोला था ना कि ये भी लड़की बच्ची तेरी टकर टिकी कर देंगी, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हारी हो गई टकर टिकी टकर टिकी। भैया मुझे तो लगता है यार ये सब पागल बाप की वजह से हुआ है। यार भैया वो आपके बीच में ना बोला होता ना तो भैया इस वाली गेम को अब आराम से क्लियर कर देते यार। ओ यार मुन्ना, मुझे भी यही लगता है, इस बलवान बाप का कमाल है मुन्ना। अरे कमाल नहीं, धोती फाड़ के रुमाल बल्ला, यहाँ पे तेरा कार था ना, वो पता नहीं किधर चला गया। अरे ये रहा ना वो तुम्हारा कार राइडर, जल्दी से उठाओ यहाँ से भागो और दरवाजे के ऊपर जो दरवाजा है ना उसके ऊपर ये लगा दो कार, तभी तुम्हारा यहाँ से दरवाजा भी खुल जाएगा। ओए पागल बाब, ऐसे दरवाजा नहीं खुलेगा। ओए मुन्ना, इसके लिए मुझे यहाँ पे कॉल को डायल करना पड़ेगा। ओए 1 2 3 4 खुल गया मुन्ना दरवाजा। अरे फौजी के बच्चे, ये दरवाजा तो अभी भी नहीं खुल रहा, मुझे लगता है इसको खोलने के लिए तुम्हें मेन डोर की लानी पड़ेगी, और तुम्हें पता भी नहीं है बउआ कि तुम ये मेन डोर की कहाँ से लाओगे। भैया ये बात तो सही है बाप की, मगर भैया ये लड़की बच्ची तो आपका पीछा भी नहीं छोड़ेगी। और आप उस भैया मैं डुरकी को कैसे लाऊंगे यार। ओए मुन्ना ला दूंगा, इसमें बड़ी बात क्या है। ओए मुन्ना, फौजी के लिए तो बहुत ही छोटी बात है मुन्ना। अरे ये चाकू भी तो तुम नहीं उठा सकते बल्ला, नहीं तो चाकू से ही तुम ईवी लन का वार करते और ईवी लन के बच्चे को ढेर करके यहाँ से मैं डुरकी भी मिल जाती। ये नानी यहाँ पे फंस चुकी है मुन्ना, लगता है उसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। और निकल गई मुन्ना, चलो ठीक है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। और ये फिर से फंस गई मुन्ना। अरे बिल्ली की बच्ची, उसकी बातों में मत आना, क्योंकि ये लड़की बच्ची बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारे सामने नाटक करती है। वो देखो बल्ला, वो अपने आप ही वहाँ से निकल गई ना। क्यों क्या भाओ, तुमने बात तो बिल्कुल सही बोली है। और ये तो भाई आपके साथ में नाटक कर रही थी। और वो देखो भैया, ये भी लड़की बच्ची तो इधर ही आ रही है। और मुन्ना, मैं कहाँ जाके छुपूंगा, और दरवाजा बंद करो, नहीं तो ये ग्रानी मेरे बैट बजा देंगी। अरे बैट तो बजाने वाली, फिर भी बिल्ला मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चकमा देके उसको निकलना पड़ेगा, वरना तेरी हो जाएंगे ढगो टिकेज। क्यों क्या पागल बाप के बच्चे, आने तो स्कैरी ग्रानी नन को, आज मेरे भैया उसको नहीं छोड़ेंगे। क्यों भैया, मैंने सही बोला ना यार। मुन्ना, तुम्हारे भैया के होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फौजी स्कैरी ग्रानी नन को नहीं छोड़ेंगे मुन्ना, चाहे उसके पास में 2.5 किलो का हैमर क्यों ना हो मुन्ना। अरे उसकी बात तो नहीं है बउआ, मगर तेरे पास तो 2.5 किलो का आज भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि उसके पास में तो 2.5 किलो के हैमर है ना। क्यों क्या पागल बाप के बच्चे, चुप कर जाओ, तू मुझे अभी जानता नहीं है। और चाहे वो 2.5 किलो का हैमर लेके ही क्यों ना आए, मगर फौजी के सामने टिकने वाली नहीं है। और देखो मुन्ना, लगता है वो अभी भी हमारा पीछा कर रही है। हमें जाके यहाँ से कोने में छुपना पड़ेगा। अरे छुपने की नौबत आ चुकी है ना बुआ, मुझे तो ये बात पहले से पता थी कि ये तो फौजी के लिए गेम नहीं बनी है, ये गेम तो बलवान बाप के लिए बनी है। क्यों क्या मुन्ना, तू इसको समझाना, मेरा दिमाग का बाजी पाला करा है मुन्ना, मुझे यहाँ से मैं रुकी की भी फाइन करनी होगी। और ये ऐसे ही बोलता रहेगा तो मैं उसको फाइन नहीं कर पाऊंगा मुन्ना। चुप कर जाओ यार, मेरे भैया देखो, परेशान करने की कोशिश मत करो, वरना तेरे को कुशल कुशल के कीमा बना डालूंगा यार। अरे बिल्ली के बच्ची, तुम बलवान बाप को कीमा कैसे बनाएंगा, मैं तेरा कीमा बना के 2.5 किलो की मशीन में डाल लड़कर तेरा पीस पीस कर कीमा बना डालूंगा और इस सिविल लड़की बच्ची को खिला डालूंगा। क्यों क्या ये क्या मुन्ना, ये तो इधर ही आ गई। मुन्ना तुम्हारी बातों में भी मेरी बैठ जाती। मुन्ना मुझे जल्दी से ऊपर की साइड में जाना पड़ेगा और जल्दी से दरवाजा खोलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब जाके मुझे मैन रुकी की मिलने वाली है। और ये क्या मुन्ना, मुझे मास्टर की आखिरकार में मिली गई, ये हुई ना।
फौगी वाली बात। हाँ भैया, ये हुई ना फौजी वाली बात। चलो भैया जल्दी से मेन डोर के ऊपर ये वाली की को लगाओ, निकलो भैया। ओ यार मुन्ना क्यों नहीं, ओ ये भी लड़की बच्ची तो अभी सामने आ रही है मुन्ना, लगता है मुझे यहाँ से चकवा दे के भागना पड़ेगा। ओ, अरे बिल्ली की बच्ची, तुम्हें क्या लगता है इस इवी लड़की बच्ची के हाथों से बचना इतना भी आसान काम नहीं है। अरे ये चकमा देने के लायक नहीं है, ये तो बहुत ही खतरनाक वाली इवी लन है। उसके हाथ में तो देखो बोलना 2.5 किलो का हैमर भी है। क्या ये क्या पागल लड़की बच्ची फिर से फंस गई। आजा बढ़िया आजा, मैं आज तेरे सामने से भागूंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। देखना मुन्ना, ये देखो मुन्ना, मैंने उसको चकमा दे दिया। और अभी चलो मुन्ना फौजी यहाँ से निकला गड़े लेके, और रास्ते में मोड़ आया, मैं इसकी भी लड़को यहाँ पे छोड़ आया मुन्ना। हाँ भैया ये हुई ना भाओ, चलो ये भी लड़की बच्ची बाबा टटाल विदा यार। ये देखो मुन्ना, मैंने मेन डोर का दरवाजा खोल दिया, तोड़ भी दिया, फोड़ भी दिया। हे भैया क्या तो बात है यार, आखिरकार में भैया ये वाला चैलेंज हमने कम्प्लीट कर दिया और भैया बॉब को आपने हरा दिया यार। तो चलो दोस्तों, इसी खुशी में होगी द डॉन की तरफ से आप सभी को बड़ा वाला और वेलकम इज आउट आउट यार। और तो फिर चलो दोस्तों, फौजी की तरफ से भी आप सभी को तोड़ने वाला फोड़ने वाला एकदम 1000 किलो का शाउट आउट। और इसमें भी कोई शक है तो बता देना। अरे बिल्ली के बच्चे मानना पड़ेगा, फौजी से तो आज मैं चैलेंज हार गया, पर चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मेरे छोटे से नन्हे से प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए बलवान बाप की तरफ से टक्कर टिक्की और इसके वाला शाउट आउट। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी किसी नई और मजेदार वाली वीडियो में। बाबा दोस्तों अपना ख्याल रखना और फैमिली का भी। अरे बब्बा दोस्तों।